नाजरीन ब्लैक आईज में आपको वेलकम करता हूँ। आप जानते हैं कि हम आपके लिए रिएक्शन वीडियो लाते हैं इस ब्लैक आईज जो चैनल है इस पर, और आज भी हमने आपके लिए एक नई रिएक्शन वीडियो लाई है जो कि माउंटेन गिलगित के ऊपर है, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। तो चलो देखते हैं साथ, 1 2 3 गो, चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो है। क्या खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं आपको और भी अच्छा करने लेके ये आपकी रेड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो यार मैं आपको बता दूं, आज की जो प्रैंक वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है मेरी बेस्ट फ्रेंड पारुल पे। आप लोगों ने देखा ही होगा, एक वीडियो में पहले आ चुकी है, उसका एक बार काट रखा है। तो यार अब मेरा ना मन थोड़ा ऐसे हो रहा है कि एक बार और काट दिया जाए। तो आज की जो वीडियो में मेरा साथ दिया ना, वो पारुल के ही बॉयफ्रेंड ने दिया। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर उस पर प्रैंक किया, और वीडियो की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल उसके पत्ते करना यार, मजा आने वाला है वीडियो में। बाकी देखते हैं, मैं उसको फोन मिलाती हूँ, वो कहाँ है। मैंने उसे आज मिलने के लिए बुलाया। तो यार बंदी को फोन लगाया जाए। मैंने सुना है आजकल इसने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा वो जीना हराम कर रखा है उसका, तो यार थोड़ा इसका जीना हराम करते हैं। हेलो, कहाँ पहुंच गई यार? मैं बस रास्ते में हूँ, बस एग्जिट कर रहा है, 10 मिनट लगेंगे मुझे आने में। 10 मिनट? 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होने चाहिए, बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है ठीक है यार, मैं तब से तैयार व्यार होके आई हूँ। तैयार व्यार? चल कोई बात नहीं, तेरा सारा मेकअप उतर जाएगा आज। कुछ है सरप्राइज है तेरे लिए, कुछ शेयर करना है तू आई। प्रैंक तो नहीं है ना? अबे यार तुझे प्रैंक ही सोचता है, जब देखो जिंदगी तेरी प्रैंक हो गई है सही में। आ ना, आके बात करते हैं यही पार्किंग में है जहाँ पे हमेशा मिलते हैं। ओके चल बाय। तो यार बंदी आने वाली है 5-10 मिनट में, वेट करते हैं बंदी का। और कुछ नहीं, सेल्फी लेते हैं एक दो यार, टाइम पास करते हैं थोड़ा 5-10 मिनट। बंदी हमेशा ही बहुत ज्यादा वेट कराती है, तो आज मिलके करने वाले हैं इस पे प्रैंक। आ गई वो, पीले बाल हो गए तेरे भी, और क्या हैसियत इसकी, आंख चिपक ले मेरे साथ। और नहीं तो वैक अच्छी लग रही है। खैर थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुन, अच्छी तो लगती है। हाँ वो तो तू अच्छी लगती है। अच्छा सुन ना यार, वो सोहन के साथ क्या सीन है तेरा? शादी पक्की हो गई मेरी उसके साथ है। हाँ खुश तो इतनी लग रही है। खैर तुझे एक सरप्राइज देना है मुझे, कल ही तो पक्की हुई है, खुश ना होंगी मैं। शादी फिक्स हो गई? पागल है क्या? क्या पागल है, सोहन ने तुझे बताया नहीं रात को, लास्ट नाइट? क्या बताया, रात को मेरे से मिलना है, अच्छी खासी बात हुई, बाय बाय बोल के आई हूँ। कितने बजे मिल के गया तुझसे? 11 बजे अराउंड मिल के गया, रात को मेरे साथ था। आई समझ, चलो ऐसे मिल लियोगे दोस्त है, कोई बात आई दोस्त नहीं है, हम लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को जी, यही बात करने के लिए बुलाया है। और मैं अभी सोहन से क्लियर करती हूँ, मुझे सोहन ने बोला कि रात को ही मैंने उससे क्लियर कर दी थी सारी चीज़ें, तभी वो मेरे पास आया मिलने। हाँ हम लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को यार, प्यार। पागल है क्या? पागल नहीं हूँ मैं, प्यार करती हूँ उससे। ऐसे कैसे प्यार करती है यार तू, ऐसे कैसे मेरे बॉयफ्रेंड से प्यार कर सकती है? तेरा बॉयफ्रेंड प्यार क्या, प्यार दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, किसी पे भी आ जाओ। मजाक कर रही है, दिल से बच्चा है यार, क्या है? मजाक नहीं कर रही मैं, सीरियस हूँ बहुत ज्यादा आजकल, मेरा सीरियस है। तेरे को कैमरा लग रहा है आसपास, जिंदगी तेरी प्रैंक हो गई है। ठीक है, और वैसे अब तो हो ही जाएगी प्रैंक, क्योंकि सोहन और मैं तो एक है, वो जिंदगी भर साथ रहने वाले यार। मेरी कल ही बात हुई है भैया को, मैंने बताया, पापा को भी पता है, मम्मी को भी पता है, सबको पता चल गया, और कल ही भैया उससे मिलने आ रहे हैं। तो बोल देना, मना कर दे अगर तुझे ट्रस्ट नहीं है तो, सोहन से बात कर ले। देख यार फ्रेंडशिप में मैं नहीं चाहती कोई थर्ड पर्सन आके बोले तुझे, तो बुरा लगता है। मैं अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुझे सच सच मुंह पे बोल दिया कि फेस टू फेस किया भाई, सोहन और मैं डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, और हम नहीं रह सकते। नहीं तो तू सोहन को कॉल लगा के पूछ लेना, मुझसे क्या पूछ रही है तू? मुझे जब पता है तो मजाक कर रही है? नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझसे मिल भाई साहब, वो मुझसे मिलने आने वाला है। करती पता है तुझे, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उसको भी नहीं छोड़ सकते ना। अगर तू उससे प्यार करती हूँ इसलिए तुझे सब हकीकत यहाँ बताई है। चल रहा है सब 2 महीने से हम लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मतलब हमारी सालों पुरानी दोस्ती तो इन 2 महीनों में खत्म कर। यार मुझे वो सब नहीं पता, मैं पागल हो चुकी हूँ उसके प्यार में, मैं रह नहीं सकती उसके बिना, और मुझे आजकल उसके सिवा कोई दिख भी नहीं रहा यार, कौन दोस्त कौन माँ कौन बाप। तेरा बॉयफ्रेंड क्या होता है, वो तेरे बॉयफ्रेंड को संभाल के रखना चाहिए था ना तुझे, उसे पकड़ के रखना चाहिए था ना, तूने उसे परेशान इतना कर रखा है कि वो तुझसे इरिटेट हो चुका है यार। मैंने क्या परेशान करा उसे यार? वैसे भी मैं तुझे बता दूं क्लियरली, वो मुझसे मिलने आ रहा है अभी थोड़ी ही देर में, तब उससे फोन करके पूछना। वो मैंने उससे बात करी, वो ऑफिस ने गया, वो सीधी मुझसे मिलने आ रहा है।
रुक तो मैं उसको फोन करती पूछ ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है पक्का ऑफिस मैं तो उसको छोड़ नहीं सकती मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ चाहे आपके खून खराब हो चाहे कुछ भी हो आई डोंट केयर मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती कहाँ पे है तू तो ऑफिस गया था रिट से क्यों मिलने आ रहा है तू तो मुझे चीट कर रहा है मैं तो रिट से ही मिलने आई हूँ मुझे नहीं पता वो मुझसे बहुत अनाप शनाप बोल रही है देख मुझे सोहन तो मैं काम करो यहाँ पे गेट पर तू बस जल्दी से आ जा मैं ना बहुत गुस्से में हूँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे यार तू सच में जल्दी आ जा सोहन तुम गेट नंबर 7 की पार्किंग में आओ अभी इसी वक्त जल्दी आ जा बस अभी सच सब सामने आ जाएगा ना क्या होगा देखो यार ना वो कांप रहे हैं यार यार सुन मेरी बात बहन तू प्यार से समझ जा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ से मेरे साथ है वो यार ऐसे कैसे हो सकता है 12th क्लास से साथ है तो यार उसने फिर सोचा नहीं ना उससे मेरे से प्यार कैसे हो गया वो मेरे साथ रहना चाहता है वो यही कहता है तुम दोनों को ऐसा फ्रेंड मिलवाया था यार तुम दोनों ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था तू इतनी डिमांडिंग है वो तुझसे इरिटेट हो चुका है देवी कैसे हो आई एम फाइन हाउ आर यू गुड आप कैसे हो बहुत बढ़िया ये क्या कर रही यार इसे मैंने बुलाया था क्योंकि तुमने रात को इसे बताया नहीं सारी चीजें क्लियर नहीं की नहीं मेरी बात नहीं हो पाती मैं बिजी था उस चक्कर में मेरी कोई बात नहीं मेरे से मिल के गया था तुम इसे अभी क्लियर कर दो कि हम लोग क्या हमारा क्या देखो यार सीधी बात है वो सब छोड़ो जो भी कल बात हुई वो सब मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे बट यार मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे से जो तुम्हारी नौटंकियां चलती है ना और ये शॉपिंग में ये वो टीम टाम फलाना ढिकाना मेरे को नहीं चाहिए यार ये नाटक मेरी जिंदगी में सीधी बात है और रिट से तुमने मेरे को जब पहली बार बर्थडे पार्टी में मिलाया था ना उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई लव हर मेरे को नहीं चाहिए रिलेशनशिप यार प्लीज खत्म करो ये सब यार बहुत ड्रामे हो रहे हैं यार सुन लिया मतलब तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यार जैसा करते हो भाई दोनों को मैंने सबसे ज्यादा यार सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं यार हम क्यों क्या है क्या हम प्यार करते हैं एक दूसरे से भाई क्या कर सकते हैं प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना और या तो तू अपने बात हो गई है यार या तो तू अपने बंदे को संभाल के रखती इतना एग्रेसिव होने वाली क्या बात हो गई यार ठीक है नहीं हो रहा ये सब काम ब्रेकअप पहला उसके साथ है यार ऐसे कैसे एग्रेसिव ना हो तो कोई एग्रीमेंट किया है क्या यार ठीक मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो दोनों के दोनों देखो हर चीज मजाक नहीं होती है जिंदगी में ठीक है ये बात याद रखना नहीं हो रही है चीज काम नहीं कर रही है मतलब बात खत्म शिवरिंग कर रही है ना बहुत ज्यादा क्योंकि यार हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तुझे समझनी पड़ेगी ये चीज यार क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो अपन इसको पता नहीं यार बुलाया क्यों तुमने इसको तुमने इसको रात को क्यों नहीं बताया मेरे को नहीं देनी किसी को एक्सप्लेनेशन हो गया बात खत्म नहीं रहना चाहता यार या तो अपने बंदे को ऐसे प्यार दो संभाल के रखो वो कहीं और ना जाए पता नहीं है तो यार तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा था मेरी शॉपिंग करना तो तुम मुझे मना कर सकते थे यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम देखो जो बात है क्लियर है जो बात है तुम्हारे सामने है ये हो चुका है आई लव हर दैट्स इट बात खत्म और यार तुम्हारा तुम देखो मेरे को मतलब नहीं है ऐसे कैसे मतलब नहीं है यार नहीं है तो नहीं है यार ऐसे कैसे मतलब नहीं है रिट कैसे कर सकती है ऐसा यार थोड़ा सा भी तरस नहीं आया मेरे पे तरस क्या यार मैं प्यार करती हूँ उससे तुझे समझनी पड़ेगी चीजें अरे सब लोग दोस्त खत्म करो ये सब यार यार दोस्त तो इसलिए बता दिया तुझे कोई तीसरा बंदा आके बताता ना तो पता लगता और बुरा लगता यार नहीं रह सकते हम एक दूसरे के बिना हम दो महीने चलो यार हम चल रहे क्या चलो चलो क्या क्या चलो क्या चलो यार पागल हो गए तुम लोग पागल है क्या कहा जाए क्या कहा जाए क्या कर क्या हम लोग साथ हम साथ है हम पर क्या साथ है हेलो ये क्या तरीका बात करने का क्या तुमने भी कहीं नहीं करा मेरे साथ ठीक है पागल बन जाए क्या मुझे तुम क्या हो क्या मैं और तू तूने शर्म नहीं आई तेरे को मतलब यार तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो मतलब शर्म नहीं है तुझे तूने हाथ दोस्ती के नाम पे कलंक है तू हाथ दोस्ती के नाम पे कलंक है तू एक मिनट क्या है एक मिनट इधर 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 हाँ मेरे को सिखाया गया लड़कियों की इज्जत करो वरना इसका अंजाम कुछ गलत हो जाता है बात याद रखना तू मेरे पे हाथ उठाएगा जो भी समझना है तुम्हें समझ लो जो समझना है समझ लो बट ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए जो तुमने किया है दैट्स इट तूने भी खत्म ड्रामे कर रहा था तब से जो करना था कर दिया मुझे लगता था कि यू आर द वन कर दिया जो करना था यार मतलब मैं तो कहीं की भी नहीं ना दोस्त ना बॉयफ्रेंड यार मैंने शादी तक की बात कर ली पापा से कल मैंने भी की थी मेरे को नहीं चाहिए शादी खत्म कितने ड्रामे यार क्या हो गया नहीं रहना चाहते उसे नहीं आ रहा समझ और प्यार करते यार हम एक दूसरे से गुनाह थोड़ा कर दिया कोई मतलब नहीं है
love him, yaar. I just hate you both. Okay, bye. Bye, goodbye. Listen to me first. बात सुन. मुझे नहीं सुन. एक बार सुन बात. बात तो सुन ले. बात तो सुन ले. सुनने लग बच्चा यार अब. प्लीज एक बात तो सुन लूँ यार. नहीं सुनना. क्या बचा क्या है अब सुनने लायक. यार तू समझ लेना, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से. करो यार, मेरे को अपनी दोस्ती भी कंटिन्यू करनी है यार. मुझे नहीं करनी. प्लीज यार, अच्छा सुन तो ले. देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है यार. ठीक है तुम मस्त. अच्छा सुन तो ले, रहना ठीक है. पर सुन तो ले यार, एक दूसरे साथ मत छोड़ना ठीक है. वो ना यार पारुल पे ना प्रैंक वन हो गया था यार. मैंने सोचा पारुल इंटरव्यू कर दे. मजाक कर रहे थे, हमारा मिशन सक्सेसफुल. क्या पागल मजाक कर रहे थे यार. क्या हो गया, रोने लग गया यार. नहीं यार मजाक कर रहे थे, तुझे लगता है ऐसा करूंगी मैं. मुझे पता था, पर तू इतना यकीन से बोल रही थी. तू यार बेस्ट फ्रेंड. फंस गई बात खत्म. बहुत दोनों पिटोगे मेरे. अच्छा बोले कैमरा हाय. तू शादी नहीं करूंगी, पक्का नहीं करूंगी. बोले कैमरा हाय करो सारे. जान से मार दूंगी किसी दिन. तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी. तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना यार. और अभी आपके प्यार की ना बहुत ही ज्यादा जरूरत है यार, बहुत ज्यादा. तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो यार. शेयर नहीं कर रहे आप लोग. और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है. बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी हंसाते रहेगी. मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. और जैसा कि आपको पता है कि हर चैनल वाले आखिर में यही कहेंगे कि हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में जो बेल का आइकन है ये लाजमी प्रेस करें ताकि आपके लिए अपकमिंग वीडियो जो हो वो आप तक पहुंच सके. और हमारी जो दिल अफजाई के लिए ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपना जो है राय लाजमी दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये प्लेस आपको कैसे लगी. इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम भी एक दिन गिलगित बल्तिस्तान टूर के लिए जाएंगे. अल्लाह हाफिज़.